हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शेयर। लो भाई, आज वाला टॉपिक होने वाला है बिल्कुल हास्य वाला। हास्य वाला ऐसा है कि मैं जब से मलेशिया में आया हूँ तब से लेके अब तक मैंने एक ही चीज़ देखी है यहाँ पे मलेशिया में, कि जो पैसे हैं वो एजेंट खा रहे हैं। अब ये टॉपिक बहुत हास्य वाला होने वाला है, ठीक है ना? इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा और काफ़ी लंबा चौड़ा होने वाला है। मैं हो सकता है इसको दो पार्ट में कवर करूं, नहीं तो भाई एक पार्ट में कोशिश करूंगा मैं करने की। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए और ये वाली वीडियो एक या तो क्रांति लेके आएगी या फिर आप इसको एक मजाक समझ के छोड़ दोगे। अगर तो आपका साथ मिला मेरे को तब तो ये बन जाएगी एक क्रांति, एक रेवोल्यूशंस बन जाएगा ये। अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो ये वाला बस ऐसे ही मजाक का एक मजाक रह जाएगा। चलो यार, दिमाग में आइडिया आया था, थोड़ा सा टाइम पास हुआ और निकल गए बस। ये वाली वीडियो अगर हर एक के मोबाइल में हो जो मलेशिया में रहता है या मलेशिया में आने वाला है, तो समझ लीजिए मलेशिया में एक भी बंदा इलीगल नहीं रहेगा। ऐसा आइडिया है दिमाग में। मोटी मोटी बात बता देता हूँ, बाद में मैं इसको एक विस्तार में बताऊंगा अगर आपके दिमाग में सबके आ जाए तो। मैं इस वीडियो के माध्यम से मलेशिया की सरकार को एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि यार, तुम जो वीज़ा देते हो कंपनी के थ्रू देते हो, कंपनी पहले एक बंदा कंपनी बनाता है, एज लाइक मेरी कंपनी है सेंडेरियन बारहेड, मेरे को एक लोकल बंदे की ज़रूरत है, तो उसके बाद हम कंपनी को आगे सरकार से अप्रूवल करवाते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा पचड़े होते हैं, फिर ESD अप्रूवल करवानी होती है, फिर सरकार से कोटा लेना होता है, फिर सरकार को टैक्स देते हैं, तो बंदे फिर भी अलीगल हैं यहाँ पे। यहाँ पे कभी एक हुआ था क्रैकडाउन 1, फिर 2, 3, 4, कब से क्रैकडाउन हो रहे हैं, कब से उपरासियाँ हो रही है, कब से इमिग्रेशन पकड़ पकड़ के लोगों को इंडिया भेज रही है, और बाद में कहते हैं कि यार इंडिया वाले कह रहे हैं, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं, दूसरे दुनिया वाले कह रहे हैं कि जी मलेशिया में लोगों के साथ धक्का होता है क्योंकि लोग यहाँ पे इलीगल हैं। अब जो सोचने वाली बात है, अगर सरकार मलेशिया की तुर्की, अजरबैजान, अर्मीनिया, जॉर्जिया की तरह खुद वीज़ा देने लग जाए, अगर मलेशिया की सरकार खुद लोगों को वीज़ा प्रोवाइड करवा दे तो कैसा रहेगा? ये वाला आइडिया मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने ये वाली वीडियो, इसी वीडियो का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हर एक के मोबाइल में ये वाली वीडियो होनी चाहिए। एजेंटों का नामो निशानी खत्म हो जाएगा मलेशिया में, लिख के देता हूँ, वादा करता हूँ आपसे। अभी देखिए, आपने वीज़ा दे दी, आप वीज़ा लगवाने के लिए पैसे दे दिए एजेंट को, एजेंट ने आगे दे दिए, उस आगे वाले ने फिर आगे दे दिया, फिर तो उसके बाद वो जाते 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 पता नहीं 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप कितनी स्टेप में जाके वीज़ा पहुंचता है सरकार के पास, और फिर सरकार देती है वीज़ा, मलेशिया की गवर्नमेंट देती है। अगर मलेशिया की सरकार ने अप्रूवल करनी है तो भाई वो डायरेक्ट क्यों नहीं दे रही? तो मेरे ख्याल में जो मेरे दिमाग में बात आई, बड़ी सोचने विचारने के बाद मैंने ये सोचा और अपने दोस्तों से भी पूछा जो मेरे खास का, यार ऐसा हो सकता है? उन्होंने हाँ हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर ये वाली जो बात है, अब मान लीजिए अगर आपके साथ बीवी बच्चे हैं, आप मलेशिया में हैं और सरकार आपको दे देती, सरकार DP-10 वीज़ा कितना के देती है? 10,000 का, 20,000 का, जितने का भी एजेंट देते हैं, भाई वो डायरेक्ट सरकार ले लेना, अच्छी बात नहीं है। अब मान लीजिए एजेंट लेते हैं 15,000 या 20,000 लेते हैं, तो 20,000 रिंगट है सरकार को बंदा डायरेक्ट दे दे, इजी हो गया काम। अब मान लीजिए बंदा है सिंगल, लड़का है या लड़की है कोई भी है, अब अगर बंदा इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी आता है, पूरी दुनिया से कहीं भी आता है, मलेशिया में रुकता है, सबसे पहले जैसे तुर्की में होता है टिन नंबर लेना होता है, उसके बाद घर लेना होता है, उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है, तो भाई वो वाला वीज़ा अप्लाई डायरेक्ट सरकार भी करवा सकती है, मलेशिया की सरकार भी वो वाला रूल लागू कर सकती है अगर आप लोग चाहें तो। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट वीज़ा बाय इमिग्रेशन, जावातन इमिग्रेशन मलेशिया डायरेक्ट वो दे सकती है। अगर आप सब लोग ये चाहें तो मेरे अकेले एक बंदे के चाहने से कुछ नहीं होगा। अब सबसे बढ़िया बात तो ये हो जाएगी कि जितनी भी आपकी सैलरी है मरती है वो मरेगी नहीं, क्योंकि
एजेंट की मजबूरी हो जाएगी, कंपनी की मजबूरी हो जाएगी आपको सैलरी देनी। सरकार आपको जब वीज़ा देगी, आपको एक टिन नंबर देगी, आपका एक टैक्स नंबर देगी, आपके उसी टैक्स नंबर से आपकी अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपके उसी अकाउंट में सैलरी आएगी, आपके पास गट्स होगा, आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा, आप डायरेक्ट जाके इमिग्रेशन में आपका वीज़ा रीन्यू करवा सकते हो। अगर आपका वीज़ा रीन्यू होता है, अगर आपके पास वीज़ा है, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, अगर आपके पास सब कुछ है, तो भाई आपकी कंपनी आपको डायरेक्ट पैसे देगी। मान लीजिए अब सिक्योरिटी गार्ड तो काम करोगे नहीं, आप काम तो कोई और करोगे, जैसे कहीं भी कंपनी में काम कर रहे हो, ग्लव्स की कंपनी हो गई, चॉकलेट की फैक्ट्री होगी, कहीं भी काम हो गया, तो वो वाली सरकार आपको पैसा दे, अब कंपनी आपको पैसा देगी ही देगी, क्योंकि आपका पैसा मरने का 1% भी चांस नहीं है, बिकॉज आप लीगल हो। अभी आपके पैसा मरने के चांस है क्योंकि आप अलीगल हो, आपके पास वीज़ा नहीं हो, आप पुलिस जाके कंप्लेंट नहीं करवा सकते, आप इमिग्रेशन में जाके बोल नहीं सकते, और सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है, हम अलीगल हैं, हमारे पास वीज़ा नहीं है, हमें सरकार पकड़ लेगी, हमें पुलिस पकड़ लेगी। टेंशन टेंशन टेंशन, वो टेंशन अलग से होती है, परिवार की टेंशन अलग से है। अगर आपने इंडिया जाना है, आपने वीज़ा कैंसिल करवा के या वीज़ा लेके भी जाना है, अभी क्या सीन है कि भाई आपको बॉस से चेकआउट मेमो लेना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे इमिग्रेशन से वीज़ा लेते हैं या इमिग्रेशन आपको अलाउ करती है, तो कितना अच्छा हो जाएगा, आपके पास वीज़ा है, आपने टिकट ली और फ्लाई, ईजी नहीं है। आपको इस कैंपेन का हिस्सा बनना पड़ेगा, आपको सरकार के साथ मिलना पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमको वीज़ा आप डायरेक्ट दो दो, हमारी कंपनी के साथ टाई अप रहने दीजिए, क्योंकि ये आउटसोर्स वीज़ा हो जाएगा। ये वाली मेरी वीडियो एजेंटों को बुरी लगेगी, हो सकता है जितने आपने ये बस ये देख लेना है कि जितने इसमें डिसलाइक आए हुए हैं, ये सारे के सारे डिसलाइक एजेंट भाइयों के ही हैं, मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूँ। बढ़िया है यार, इजी है, सरकार डायरेक्ट वीज़ा देगी, सरकार को फ़ायदा, डायरेक्ट सरकार को टैक्स मिलेगा ना इससे, सरकार इससे टैक्स वसूलेगी डायरेक्ट कैंडिडेट से, वर्कर से, उनको कंपनी, अब कंपनियां कितनी ब्लैक लिस्ट होती है आप देखिए, कितनी कंपनियां ब्लैक लिस्ट होती है, कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट नहीं होगी जब डायरेक्ट वीज़ा सरकार देगी। हाँ, सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है इससे, पर इसका एक फ़ायदा ये भी है कि सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स मिलेगा, और दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि सरकार को अलीगल बंदे पकड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अलीगल कोई रहेगा ही नहीं भाई यहाँ पे, क्यों रहेगा, पागल कुत्ते ने काटा है। ठीक है दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे आप उन्हें कमेंट में बता देना है, अगर आप कहोगे तो भाई मैं वीडियो को प्राइवेट कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा, अगर आप करोगे मेरा समर्थन, अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे, तो ठीक है फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आता रहूँगा। सपोर्ट करो, ज्वाइन बटन दिया गया है नीचे, क्लिक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को। थैंक यू।